गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। तो आज हम लोग सिखाने वाले हैं, क्योंकि बहुत दिन से मैंने वीडियो नहीं डाला था, क्योंकि एक्चुअली क्या होता है, बहुत सारे क्लासेस मैंने ज्वाइन कर रखा हूँ और वहाँ पे टाइम नहीं मिल रहा है। तो मेरा जो चैनल है बहुत दिन से बंद पड़ा था, आप लोग भी देखा होंगे, और बहुत सारे कॉमेंट भी किया था मुझे, बहुत स्टूडेंट ने कॉल भी किया। एक्चुअली बहुत दिन से जो ऑफ था उसका रीज़न, मेन रीज़न ये है, मैं थोड़ा बिजी था। तो नया से स्टार्ट कर रहा हूँ इस महीने से, अगस्त से, क्योंकि थोड़ा मैं क्लियर हो गया हूँ मेरा जो काम के लिए। तो ऑल टाइम क्या करना है, ड्राइंग ही तो करना है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि एक्चुअली हर फील्ड में माहिर बनने के लिए, एग्जैक्टली जो डेवलप होने के लिए, डिटेल में जाने के लिए, ठीक है, आगे जाने के लिए आपको नॉलेज रहना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो मैंने कुछ वीडियो में बताया था कि एक्चुअली पर्सपेक्टिव का नॉलेज मैंने आपको प्रोवाइड किया था, ऑब्जेक्ट का नॉलेज मैंने प्रोवाइड किया था। तो आज मैं पहले से फिर से शुरू करूँगा कि एक्चुअली आप आर्ट फील्ड का हो, ड्राइंग कर रहे हो, आपका पैशन है और आप चाहते तो खुद बनाते हो, कोई टीचर वीचर नहीं है, तो आप चाहते हो कि इसको डिटेल में आप जाएंगे, तो आपके लिए चैनल है। तो आप प्लीज सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि मैंने बहुत आपको जो इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ आपका आर्ट वर्क में या इस फील्ड में आपको बहुत आगे ले जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो पहले ड्राइंग का जो मेन थ्योरी होता है, हम लोग क्या बताऊँ, ड्राइंग का जो एक्चुअली कुछ थ्योरी होता है, इस थ्योरी को आप लोग को मेंटेन करना पड़ेगा। तो थ्योरी क्या होता है, थ्योरी ड्राइंग में, थ्योरी बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं कि थ्योरी सब क्या है। एक्चुअली ड्राइंग में कुछ बेसिक चीज होता है जो आपको फॉलो करना है, ठीक है। तो पहले मैंने आपको इस फील्ड का, मैंने इस पार्ट को मैं अभी लिखा हूँ कि एक्चुअली ड्राइंग, तो ड्राइंग में आपको बहुत सारे फील्ड नजर आएगा, बहुत सारे, ठीक है। और इस फील्ड में आपको माहिर बनने के लिए पहले आपको क्या करना पड़ेगा, बेस क्लियर करना पड़ेगा, आपका जो बेस है, ठीक है, वो क्लियर करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट आपका जो आर्टवर्क है उसको सही से बनाना है, राइट। ये दोनों चीज को आपने फॉलो करना है, पहले ये दो पार्ट को आपको पहले क्लियर करना है, उसका बाद डिटेल में जाना है, उसका बाद, क्योंकि आपका आर्टवर्क के ऊपर डिपेंड करता है आपका फ्यूचर, यानी कि आपका भविष्य। और ये सही नहीं होगा तो आप अपना फ्यूचर को कभी अच्छे नहीं बना सकते। तो पहले मैं आर्टवर्क की थोड़ा बहुत नॉलेज आपको आज प्रोवाइड करूंगा, क्योंकि एक ही क्लास में तो हर चीज क्लियर नहीं होता है ना, तो वही मैं क्लियर करता हूं। चलिए, तो मैंने इरेज कर दिया। तो यहां पे आपको क्या करना पड़ेगा, आर्ट में आपको क्या करना पड़ेगा, आर्ट में आपको, मैं यहाँ पे जो आपको सिखाऊंगा कुछ चीजें, पहले सिखाऊंगा आपको स्टिल लाइफ ड्राइंग, स्टिल लाइफ ड्राइंग यानी कि ऑब्जेक्ट जो होता है, ऑब्जेक्ट ड्राइंग, राइट, स्टिल लाइफ ड्राइंग होता है, ठीक है, जो कुछ रियल, मान लीजिए ये डस्टर है, ये वॉच है, राइट। तो ये सबको ड्रॉ करना, मतलब जो भी लाइफ में हम लोग देख रहे हैं उसको अचीव करना है, तो स्टिल लाइफ को आपको स्टार्ट ही करना पड़ेगा। इसके बाद हम सिखाएंगे इस क्लास में पर्सपेक्टिव। पर्सपेक्टिव होता क्या है, एक्चुअली हम लोग जो कुछ देख रहे हैं, जो कुछ, ठीक है, उसको देखने की जो स्टाइल होता है, ठीक है, उसको हम लोग पर्सपेक्टिव कहेंगे। तो इसका डिटेल में जाएंगे धीरे धीरे। तो नेक्स्ट ये दोनों आपको पहले सिखाएंगे, सब और हम सिखाएंगे पोर्ट्रेट, देन सिखाएंगे आपका फिगर, एंड इसके ऊपर डिटेल में जाएंगे, रियलिस्टिक में जाएंगे, हाइपर रियलिस्टिक में जाएंगे, बहुत सारे पार्ट है, वो धीरे धीरे क्लियर करूंगा। लेकिन आज आपको जो मेन चीज है, आज मेरा एपिसोड नंबर वन, क्योंकि मैं आज से फिर से क्लास शुरू कर रहा हूं, तो इन क्लास को ज्वाइन करना है आपको, रेगुलर मेरा वीडियो अपलोड होगा, रेगुलर आएगा, एंड स्टेप बाय स्टेप मैं आप लोग को सिखाऊंगा, राइट। तो यहाँ पे आपका ड्राइंग का जो कुछ कंडीशन होता है, मैंने थोड़ा बहुत आप लोग का साथ एक्सप्लेन किया कि एक्चुअली पहले आपको सीखना है स्टिल लाइफ, देन पर्सपेक्टिव सीखना है, तीसरा ऑर्बिटल पोर्ट्रेट है, और बहुत सारे डिजाइन। तो यहाँ पे और एक पहाड़ यहाँ पे है,
ये तो ड्रॉइंग का पार्ट मैंने आपको पूरा क्लियर किया, और एक साइड पार्ट जो है कलर कम्युनिकेशन, राइट, कलर। तो कलर आपको सीखना है, ठीक है, तो ये सीखना है। इसका बाद पहले आपको क्या करना पड़ेगा, कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी ड्रॉइंग आप जिसका पर आप कलर फिलअप कर रहे हो, तो पहले क्या करना पड़ेगा, आपको पहले आउटलाइन बनाना पड़ेगा, राइट। आउटलाइन जब तक आप क्लियरली ना बनाएंगे तो आपका कलर सही नहीं आएगा, कभी भी नहीं आ सकता, कभी भी, ठीक है। तो इसका पार्ट मैं बाद में रखता हूं, ये अभी नहीं मैं बताऊंगा, तो इसका पार्ट मैं पहले क्लियर करूंगा, स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा कि ये कैसे कैसे होता है, स्टिल लाइफ कैसे ड्रॉ करना है, पर्सपेक्टिव कैसे ड्रॉ करना है, पोर्ट्रेट कैसे ड्रॉ करना है, सारे धीरे धीरे क्लियर करूंगा। और यहाँ पे आज हम लोग स्टडी करेंगे बेस, जो मैंने पहले बताया था, बेस क्लियर करना है। फर्स्ट पार्ट और एपिसोड वन में आपको बेस हम क्लियर करेंगे, राइट। तो पहले बेस, जिन लोग अभी तक ड्राइंग नहीं किए लेकिन आपका ड्राइंग करना पसंद है, आप सोचते हो कि मैं अच्छा ड्राइंग कर पा दे, तो आपको टेंशन लेने का कोई बात नहीं, आप लोग को टेंशन लेने का कोई बात नहीं, क्योंकि आज कोई भी चाहे कुछ भी ना जाने, इस क्लास को आप फॉलो करेंगे रेगुलर, मैं दावे के साथ बोल रहा हूं, 3 महीने के बाद आप एक अच्छा आर्टिस्ट बन सकते हो, क्लियरली। लेकिन आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा, सही जगह पे हार्डवर्क करना पड़ेगा, राइट। तो आपको यहाँ पे मैं पहले सिखाऊंगा बेस। तो ड्रॉइंग का बेस क्या होता है, हर चीज का बेस होता है। जैसे कि हम लोग जब छोटे थे तो वहां पे क्या सीखा, ए बी सी डी ये सब सीखा, ठीक है, ये होता है हमारा बेस, राइट। तो ड्रॉइंग का भी कुछ बेसिस है, उसको आपको पूरा क्लियर करना पड़ेगा, पूरा क्लियर करना पड़ेगा, उसके बाद हम लोग स्टेप बाय स्टेप आगे जाएंगे। तो बेस में क्या आता है, पहले आपको क्या करना पड़ेगा, पूरा फेस जो आर्टवर्क हमने की है, चाहे कुछ आर्टवर्क आप अच्छा ड्रॉइंग भी करते हो, आप पहले उसको इस माइंड सेट आपको पहले आउट कर दीजिए कि मैंने कभी अच्छा ड्रॉइंग किया था, ये मेन पार्ट है। पहले आप इस ड्रॉइंग को जो आप कर रहे थे उसको दिमाग से निकलिए, दिमाग से उसको पूरा रिमूव कर दीजिए, क्योंकि यहां पे आप आएंगे तो उसको आपको हटाना पड़ेगा। क्यों हटाना पड़ेगा, ये 1 महीने बाद आपको पता चलेगा, ठीक है। जितना जल्दी हो सके इसको पूरा रिमूव, पहले स्टेप में सिखा रहा हूं कि आपको पहले खींचना है लाइन। देखिए मैं लाइन खींचा, राइट, ये होता है लाइन। तो पहले आपको ये लाइन खींचना है, ठीक है। इसके बाद देन करना है कि सर्कल बनाना है, राइट। ये दोनों पार्ट रेगुलर एवरी डे कितने पेज करना है आपको, 100 पेज करना ही करना है, एनी हाउ करना ही करना है। आप चैलेंज, आज चैलेंज एपिसोड चल रहा है, चैलेंज आप 90 डेज का है, 90 डेज का, राइट। 90 डेज में आप कहां से कहां तक जाएंगे वो यहां पे आपको पूरा क्लियरली दिखाई देगा। तो पहले लाइन बनाना है, सर्कल बनाना है। आप लोग सोच रहे हो कि लाइन तो और इंसान बना सकता है, कोई भी बना सकता है, नहीं सर, एक्चुअली थोड़ा प्रॉब्लम है। एक्चुअली लाइन में बहुत डिफरेंट होता है, लाइन कैसे खींचना है ये मैं अभी बता रहा हूं, ठीक है। देखिए इसको भी एक लाइन बोलेंगे, राइट, ये भी एक लाइन, ये भी एक लाइन, और ये भी एक लाइन, तीनों लाइन ही है, लेकिन रॉन्ग। तो आपको सवाल आएगा कि एक्चुअली राइट क्या है, तो अभी आपको मैं दिखाऊंगा कैसे लाइन खींचना है। तो लाइन खींचना है फ्रेंड्स, पहले आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो हैंड होता है, राइट, इसको आपको पूरा फ्री करना है, पूरा फ्री, ये वाला पार्ट कभी नीचे नहीं बैठेगा आपके पार्ट के ऊपर, राइट। आप पूरा यहां से क्लियर करेंगे ड्रॉइंग आर्ट वर्क, पूरा यहां से
यहां से मूव होगा तो यहां से नहीं, उंगली से नहीं, पूरा पूरा हाथ से ड्रॉ होगा राइट। तो कैसे करना है, पहले आपको सर्कल बनाना है ऐसे, ठीक है, लाइन बनाना है पूरा क्लियर, देखिए ऐसे लाइन राइट, पूरा फ्री लाइन बनाना है, ना तो हाथ नीचे रखते ना तो खिचखिचाते, कोई बात नहीं, पहले होगा नहीं, पहले ऐसा होगा नहीं मुझे पता है, लेकिन आप ट्राई तो कीजिए, आप एक बार ट्राई कीजिए राइट। आप ट्राई करेंगे तो एक दिन नहीं दो दिन का बाद आपका कॉन्फर्म होगा, और पूरी जो आदत है जैसे कि पहले मैंने लाइन नहीं जाता वो पूरी आदत है, उसको पहले रिमूव कर दीजिए दिमाग से, नहीं तो नहीं हो पाता, ठीक है। तो यहां से मैं दिखा रहा था सर्कल और लाइन, ठीक है, तो क्लियरली ऐसे फेस लाइन खींचना है, ठीक है, और आपको सर्कल बनाना है। नेक्स्ट आपको पार डे 100 फेस आपको करना ही करना है। इंस्ट्रूमेंट क्या है, आप पेंसिल चूज कीजिए एबी और नॉर्मल पेपर, नॉर्मल पेपर आप यूज कर सकते हो राइट, नॉर्मल पेपर, ऐसे नहीं कि आर्ट पेपर लाना है कुछ अच्छा से बुक लाना है, ऐसे कुछ भी नहीं होता, ठीक है। जिसका पास बोर्ड है बोर्ड से भी प्रैक्टिस कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे नॉर्मली 90 डेज का चैलेंज रहेगा, और जो स्टूडेंट 90 डेज में अचीव हो पाएगा मेरे तरफ से एक स्पेशल गिफ्ट रहेगा, ठीक है, एक स्पेशल गिफ्ट रहेगा। तो हमारा जो पैकेज है वो नेक्स्ट 90 डेज की पैकेज उसको फ्री में दिया जाएगा राइट। तो आप लोग ट्राई कीजिए, कोई भी डाउट लगे तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप ग्रुप है मेरा, फेसबुक पेज है मेरा, आप लोग वहां पे जाके कमेंट कर सकते हो, नहीं तो व्हाट्सएप में आके क्वेश्चन भी पूछ सकते हो कि सर मैंने कितने तक की है, वहां पे डाउट लग रहा है, कोई भी क्वेश्चन कोई भी क्वेरी रहेगा तो आप जल्द से क्लियर करें। तो आज के लिए बस इतना होमवर्क, ज्यादा नहीं इतना होमवर्क, नेक्स्ट डे मैं पूरा पक्का सिखाऊंगा, यहाँ पे 100 पेज कंप्लीट करने का बाद आपको सिखाऊंगा क्या है बेस क्लियर करना, और दो स्टेप है वो करेंगे, दो दिन और क्लास लेंगे तो पूरा बेस क्लियर हो जाएगा राइट। तो आज के लिए बस यही, ठीक है, फॉलो जरूर करना, और वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना, और जिन जिन लोग आर्ट फील्ड में हो उन लोग को भी शेयर करना ताकि उनको भी परफेक्ट नॉलेज आ जाए। सो आज के लिए बस यही, चलते हूँ, बाय बाय।